Hello everyone, welcome to my channel Physics Tricks. So let's start with the next part of the rotational dynamics. इसमें देखो ये second question है, answer in brief. And यहाँ पर पहला question है, and that question says, why are curved roads banked? ठीक है ना, कि जो curved roads होते हैं वो banked मतलब क्या, कि जो जो अपर एज है वो लोअर एज के थोड़ा सा एंगल पे क्यों होता है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. तो देखो क्यों होता है, क्योंकि वाइल्ड टेकिंग अ टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, राइट, वाइल्ड टेकिंग अ टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड रोड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. सीपीएफ मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स. तो जब भी हम टर्न लेते हैं किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, वो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. ओके ठीक है, बट हाउ एवर दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज हैविंग अपर लिमिट, मतलब इसकी जो अपर लिमिट है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. तो अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, एन इज इक्वल टू एम जी. हेंस एंड व्हाट वी कैन से, इट्स वैल्यू इज नॉट यूनिफॉर्म एज द रोड सर्फेस इज नॉट यूनिफॉर्म. मतलब कि जो रोड सर्फेस है वो भी तो यूनिफॉर्म नहीं होगा. एक पॉइंट पे म्यू अलग होगा, एक पॉइंट पे म्यू अलग होगा. तो उसकी वजह से जो हमारी वैल्यू है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, वो तो अलग होगी अलग पार्ट पे. तो हम बोलेंगे कि वैल्यू इज नॉट यूनिफॉर्म एज द रोड सर्फेस इज नॉट यूनिफॉर्म. हेंस इन द रियल लाइफ वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन. तो ठीक है ना, तो हम बस फ्रिक्शन के ऊपर ओनली फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड ना रह के नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट आएगा. अगर हम बैंक्ड करेंगे रोड को एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो एक नॉर्मल का कॉम्पोनेंट आएगा जो कि हमको हेल्प करेगा. ठीक है ना, तो ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल का कॉम्पोनेंट आएगा जो कि हमको हेल्प करेगा विथ फ्रिक्शन. ठीक है ना, तो फ्रिक्शन के साथ एक नॉर्मल का भी कॉम्पोनेंट आता है. ठीक है ना, तो ये फ्रिक्शन का एक कॉम्पोनेंट एफ डैश, नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट एन डैश, और ये दोनों मिलकर हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स. तो डू रिमेंबर, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको दो मार्क के लिए आ सकता है. तो आपको चार पॉइंट्स लिखने होंगे. ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन. एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन, डू वी नीड अ बैंक्ड रोड फॉर टू व्हीलर. मतलब अब पहले तो बोला कि बैंक्ड सरफेस क्यों जरूरी है, अब बोल रहा है कि भाई दो पहिए वाली जो व्हीकल है उसके लिए हमको बैंक्ड रोड की जरूरत है या नहीं है. तो ऑब्वियसली बात है, हम जो बैंक्ड करते हैं वेदर इट इज फॉर टू व्हीलर और द फोर व्हीलर, हमको बैंक तो करना ही पड़ेगा. अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हाँ जरूरी तो है, लेकिन कैसे. जब व्हेन टू व्हीलर टेक्स अ टर्न अलोंग अनबैंक्ड रोड, मतलब सेम सिचुएशन, अनबैंक्ड रोड पे अगर टू व्हीलर ने टर्न लिया तो क्या हो जाएगा. टू व्हीलर ने अगर टर्न लिया तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. और हम जो लीन होते हैं, हम जो थोड़ा सा मतलब टर्न, राइट, टू व्हीलर लीन्स इनवर्ड, राइट, टर्न्स इनवर्ड बोल सकते हैं टू काउंटर रहे, तो ये जो है टॉपल कर जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो उसको अपोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टेंड्स टू लीन इनवर्ड. ठीक है ना, तो टॉपल मतलब क्या कि शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल बोल सकते हैं, टॉपलिंग इज इट, वो तो रोटेशनल मैकेनिक्स का एक पार्ट है. तो ये बस सेंटेंस से याद रखो. तो फर्स्टली फ्रिक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, अभी देखा था हमने. एंड सेकेंडली इट कॉजेस वियर एंड टीयर ऑफ द टायर, सो यस वी नीड बैंक्ड रोड फॉर टू व्हीलर्स. ठीक है, तो ये भी दो मार्क के लिए आ सकता है. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के जो बोर्ड का जो बुक है वहां से ले रहा हूं मैं, और ये आप देख सकते हो. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, और यहां तक आपको किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं अपन. एंड दैट इज
In this question, you can see on what factors does the frequency of the conical pendulum depends? Is it independent on some factors? So frequency of the conical pendulum ka formula kya hota hai? This is the formula. और इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो जो 1 डिवाइड बाय 2 पाई जी दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड थीटा डिपेंड्स ऑन द एंगल एट विच इट इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फर्स्ट हो गया. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द what is called as the pendulum, और frequency जो है वो inversely proportional to root of cosine of angle between the length of the pendulum and vertical. ठीक है, और it is independent on some is it independent है. Yes, frequency is independent on द मास ऑफ द पेंडुलम. ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके साथ? इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द पेंडुलम. और किसी चीज पे मास ऑफ द पेंडुलम और किसी चीज पे अगर इंडिपेंडेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है ना, तो देखो.